हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? क्या हाल चाल आपके? देखो, आज मेरे बच्चे, इतना प्यारा चैप्टर जो आपको पढ़ने में बहुत आनंद आएगा, म्यूचुअल फंड। लेकिन इस आनंद को लेने के लिए मैं आपको एक बात बता दूं, आज आप छोटे बच्चे हो, प्यारे, कल को आप बड़े हो जाओगे, आपके सपने बड़े हो जाएंगे, आपको उन बड़े सपनों को पूरा करने के लिए पैसे की रिक्वायरमेंट होगी। और आप जो पैसे जो पैसा आप कमा रहे हो, उसके साथ साथ बिना ज़्यादा दिमाग लगाए बगैर, बिना ज़्यादा मेहनत किए बगैर, अगर आप पैसे से पैसा कमाना चाहते हो, रिपीट कर रहा हूँ, बिना दिमाग लगाए बगैर, बिना मेहनत किए बगैर, अगर आपने जो पैसे कुछ जनरेट किए हैं उनसे भी पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको इस चैप्टर को बहुत ध्यान से सुनना ही पड़ेगा। म्यूचुअल फंड, ये आपको आज ना तो कल सही कंफर्म्ड है कि आपको हेल्प करेगा मेरे बच्चे बहुत सारी बातों को समझने में। तो आइए जरा मैं आपको लेके चलूं म्यूचुअल फंड के पास, लेकिन मेरी बात सुनना। मैं इस चैप्टर में आने के पहले आपको कुछ, मैं एक ऐसी बात बताना चाहता हूं जिसका नॉलेज हम लोग को होना जरूरी है। और मैं ये मानते हुए मेरे बच्चे आपको पढ़ा रहा हूँ इस चैप्टर को कि आप कुछ भी नहीं जानते स्टॉक मार्केट के बारे में। लो, मैंने वो नाम ही ले लिया, स्टॉक मार्केट। मैं ये मानता हूँ कि स्टॉक मार्केट आप कुछ जानते नहीं हो कि क्या होता है। और आप प्लीज़ बुरा नहीं मानना अगर मैं ऐसा आपको एज्यूम करूँ, तो बस मेरी बात सुन लो, हमने एक नाम दिया स्टॉक मार्केट। सर क्या होता है? चलो थोड़ी थोड़ी बातें कर लेते हैं। मुझे इस मार्कर को अगर रिक्वायरमेंट है ना बच्चे परचेज करने का, अगर मैं एक मान लो बायर हूँ और मुझे मार्कर चाहिए, तो मुझे एक मार्केट में जाना पड़ता है। उस मार्केट में कुछ सेलर वहाँ बैठे हुए जो मार्कर बेचते हैं, मैं उनके दुकान में जाता हूँ, हम दोनों मिलते हैं, वो अपना प्राइस बताते हैं, हम अपना प्राइस बोलते हैं, कुछ नेगोशिएशन अगर हुआ तो हुआ, अदरवाइज उस प्राइस पर हम सामान को परचेज कर लेते हैं। एक मार्केट है जहाँ पे मैंने मार्कर को लिया। मुझे कैलकुलेटर को लेना है तो मुझे एक मार्केट में जाना पड़ेगा मेरे बच्चे। उसी तरीके से अगर हमारी कंट्री के अंदर में जो शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, मतलब मैं इनको सिक्योरिटीज कहूँ तो ज़्यादा अच्छा होगा इनको क्लब करके, अगर आप किसी कंपनी के सिक्योरिटी को, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, कुछ भी अगर आप परचेज करना चाहते हो, या फिर अगर आपके पास ये सिक्योरिटीज पड़े हुए हैं आप किसी को बेचना चाहते हो, तो आपको एक मार्केट में जाना पड़ेगा। उस मार्केट को हम यहाँ पे स्टॉक मार्केट के नाम से जानते हैं। स्टॉक मार्केट कह दो, या फिर और अच्छा नाम देना चाहो तो स्टॉक एक्सचेंज, जहाँ पे स्टॉक मतलब यहाँ पे सिक्योरिटीज से है उनका, जहाँ पे एक्सचेंज होता है। मेरे बच्चे हमारे देश में बहुत सारे स्टॉक मार्केट हैं, आपको शायद पता भी नहीं होगा, हमारे देश में बहुत सारे हैं। जयपुर स्टॉक एक्सचेंज है आपका, यहाँ पे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज, मतलब बहुत सारे, कितने बताऊँ मैं आपका। लेकिन उनमें से दो ऐसे स्टॉक एक्सचेंज हैं जिनके बारे में, जिनके अंडर उस मार्केट में उनको बड़ा मार्केट माना जाता है, और मैक्सिमम जो हमारे देश या विदेश के लोग हैं वो वहीं से शेयर्स, डिवेंचर्स का, यानी कि सिक्योरिटी का परचेज सेल करते हैं। वो दो कौन कौन से मार्केट हैं मेरे बच्चे, आप यहाँ देखो, आप डायग्राम मेरे साथ बनाएंगे साथ साथ में समझने के लिए। एक आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, एक आपका है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ये आपका नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, आप एक स्टॉक मार्केट समझ लेना, शॉर्ट में इसको NSE कहते हैं। और एक आपका है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, जिसको शॉर्ट में हम यहाँ पे BSE कहते हैं। आप मेरी बात सुनना मेरे बच्चे, ये जो नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो आपका है NSE या फिर बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज यानी कि BSE, ये जो कंपनीज है यहाँ पे आपका, इसमें बहुत सारी कंपनीज है जो आती हैं, शेयर्स को मार्केट बेचती है। जिस तरीके से आप किसी मार्केट में जाते हो, उस मार्केट में जितने दुकानदार हैं आप उनके ही सामान को परचेज या सेल कर सकते हो। जितने उस मार्केट में दुकान है मेरे बच्चे,
उसी तरीके से यहां पे क्या होता है, यहां पे आप यानी कि कंपनीज को अपना दुकान खोलना होता है। दुकान खोलने के मतलब कि अपने आप को रजिस्टर्ड करना होता है कि भैया मैं इसके थ्रू अपने इस मार्केट में जो कस्टमर्स आएंगे हम उनको अपने शेयर्स डिवेंचर्स यानी कि सिक्योरिटी का सेल परचेज करेंगे। मेरे बच्चे नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में अभी एट प्रेजेंट मोर देन 1600 कंपनीज जो है उन्होंने अपने शेयर्स को यहाँ पे बेचना खरीदने का आपका तय किया है। मतलब ऐसे हमारे देश की 1600 कंपनी से कुछ कंपनी ज़्यादा कुछ कंपनी हैं जो यहाँ पे शेयर्स का अपना परचेस करती हैं, यानी कि इस मार्केट में इन 1600 कंपनी के शेयर्स को आप वहाँ पे परचेज कर सकते हो या बेच सकते हो। मेरे बच्चे इसी तरीके से बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में यहाँ पे अभी एट प्रेजेंट मोर देन 6000 कंपनीज जो आपके हैं वो यहाँ पे क्या है जी लिस्टेड है, यानी कि ये कंपनी ने यहाँ पे अपना दुकान खोल के बैठा हुआ है। ये 6000 मोर देन का मतलब कि हमेशा घटता बढ़ता रहता है बच्चे, कुछ कंपनी आई कुछ गई, इसलिए हमने मोर देन यानी कि एट प्रेजेंट मोर देन 6000 कंपनी यहाँ पे लिस्टेड है जिनके शेयर्स डिवेंचर्स बॉन्ड्स यानी कि सिक्योरिटीज को अगर आपने परचेज सेल करना है तो इस मार्केट में जाके आपको परचेज करना होगा। ठीक है ना, अब मेरी बात ध्यान सुनना, मैं एक आदमी को यहां पे तैयार कर रहा हूं। ये आदमी मेरे बच्चे ये आदमी है मंगूराम, सर ये कैसा नाम है, छोड़ो ना नाम पे मत जाओ, एक मंगूराम आदमी है और इसके पास 5000 रुपए है, 5000 का अमाउंट है। अब वो इस मार्केट में आके इस 1600 कंपनी या फिर इसमें आके 6000 कंपनी में किसी एक कंपनी में पैसा वो इन्वेस्ट करना चाहता है, जरा बताओ किसी एक कंपनी में अगर वो पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो इस आदमी को क्या करना पड़ेगा, कौन सी कंपनी में पैसा लगाए, आप मुझे बताओ। सर ये तो बड़ा टफ काम होगा जज करना, क्योंकि अगर वो पैसा यहां इन्वेस्ट करना चाहेगा, इन कंपनी में से किसी कंपनी का शेयर परचेज करना चाहता है तो हर एक कंपनी को उसको चेक करना पड़ेगा कि किस कंपनी का शेयर्स मार्केट में बढ़ रहा है घट रहा है, कौन सी कंपनी अच्छी है कौन सी, एक एक कंपनी को चेक करना पड़ेगा। और ये बहुत 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 टफ काम होने वाला मेरे बच्चे इस मंगूराम के लिए। आज वो सोचना शुरू करेगा और पता चलता है कि 20 साल लग गए उसको कंपनी का हिस्ट्री स्टडी करने में और फिर वो परेशान होने वाला है। तो पैसा मार्केट में लगाऊं कि ना लगाऊं, किस कंपनी में लगाऊं, इस बात को जज करने के लिए यहाँ पे आपको एक फायदा दिया गया है। मेरे बच्चे हमारे देश में एक आपका बोर्ड है जिसको बोलते हैं सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। एक बात ध्यान रखना, जितनी भी कंपनीज यहाँ पे लिस्टेड है यहाँ चाहे यहाँ, वो सारी कंपनी सेबी के अंडर में रजिस्टर्ड है। अगर सेबी जो सिक्योरिटीज के लेन देन को गवर्न करता है, कोई गलत काम तो नहीं हो रहा है, सब कुछ ठीक से चल रहा है कि नहीं चल रहा है, वो सेबी उस पर गवर्न करता है, तो पहले यहाँ पे लिस्टिंग होने के पहले आपको यहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड कराना होता है सेबी से, तभी ये कंपनी यहाँ पे आ सकती है। खैर मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ मुझे अलग समझाना था। पर बच्चे ये 5000 रुपये लेकर आया है कि मैं किस कंपनी में पैसा इन्वेस्ट करूँ, मुझे इतने सारे कंपनी को स्टडी करना होगा, ये बहुत टफ काम है। इस काम से बचाने के लिए सेबी ने एक उपाय निकाला है, पता है क्या, अब मेरी बात सुनना, आउट ऑफ दिस 1600 कंपनी सेबी ने क्या किया है कि टॉप जो 50 कंपनीज हैं, टॉप 50 कंपनीज आउट ऑफ दिस 1600 कंपनीज, उन्होंने क्या किया, उनका एक लिस्ट तैयार किया मेरे बच्चे। ये 50 कंपनीज कौन है मैं उसके दायरे में नहीं जाता, ये बार बार चेंज होते रहते हैं, सेबी अपने मुताबिक चेंज करता है। ये वो कंपनीज हैं जो इस 1600 कंपनीज को रिप्रेजेंट करेंगे, यानी कि अगर मान लो पहले मैं बता दो ये जो 50 कंपनीज हैं वो डिफरेंट सेक्टर से, बच्चे वो डिफरेंट सेक्टर से हैं, आप साथ साथ लिखेंगे तब बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ये कुछ कंपनी इनमें से बैंकिंग से हैं, कुछ इसमें से बैंकिंग से है, कुछ इसमें नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी है NBFC, कुछ इसमें से आपका रियल एस्टेट की कंपनी है, रियल एस्टेट की कंपनी जो रियल एस्टेट में डील करती है, कुछ यहाँ पे केमिकल्स में जो कंपनी डील करती है वो आपका है, कुछ यहाँ पे स्टील में जो कंपनी डील करती है वो आपके हैं, मतलब कुछ इसमें से मान लो आपका यहाँ पे फार्मास्यूटिकल्स कंपनी आपका है जो आपके मेडिसिन में डील करते हैं, मतलब ये बहुत सारे कंपनीज हैं जो डिफरेंट सेक्टर से हैं वो इस 50 कंपनी में हैं। और हाँ रखना, ये जो 50 कंपनी है इनमें से जो लीडर है ना, जो लीडर है वो इसमें काउंट किया जाएगा। अब देखो होता क्या है, मान लो अब मंगूराम को बैंकिंग सेक्टर में पैसा लगाना है, तो
मंगूराम क्या करेगा, इस 50 कंपनीज में से जो बैंकिंग कंपनी है उसमें जो यहां पे जो भी बैंकिंग कंपनीज पे डाला गया, अगर उनका शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा होगा तो ये एज्यूम किया जाता है कि भैया इन 1600 कंपनी में जो बैंकिंग कंपनी में है उनका शेयर्स का पैसा मार्केट में बढ़ रहा होगा, ठीक है ना। अगर बैंकिंग इसमें जो है जो कंपनी अगर उसका शेयर का वैल्यू गिर रहा होगा तो यह माना जाता है कि इनमें से बैंकिंग कंपनी के शेयर्स की वैल्यू मार्केट में गिर रही होगी। ऐसे एजम्पशन पे हम काम करते हैं मेरे बच्चे, यानी कि एक इंडेक्स तय होता है, एक इंडेक्स होता है। एक्चुअली निफ्टी के अंदर में, सॉरी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में एक निफ्टी ध्यान देना, जिसमें इन 50 कंपनीज को यहां पर रखा गया है। ये निफ्टी जो है बच्चे एक तरीके का इंडेक्स है, ये एक आपका इंडेक्स है। इंडेक्स का मतलब क्या, यहां से आप जज कर पाएंगे कि यार ये जो इस मार्केट में जो कंपनीज लिस्टेड है उनका शेयर्स का वैल्यू बढ़ रहा है कि घट रहा है। ये निफ्टी क्या होता है बच्चे, इन 50 कंपनीज को देखता है। ये रिपीट कर, एक इंडेक्स है, एक जरिया इस बात को जानने का कि कंपनी के शेयर्स बढ़ रहे हैं कि घट रहे हैं। पता है क्या होगा, अगर मान लो ये 50 कंपनीज जो यहां पे है अगर अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं तो निफ्टी जो है ना, यानी कि इंडेक्स जो होगा ये ऊपर की तरफ शो करेगा। अगर ये 50 कंपनीज मान लो कम आपका मतलब कि गंदा परफॉर्म कर रहे हैं तो निफ्टी फिर क्या होगा, डाउन आपका होगा। कुछ कंपनी ज़्यादा कुछ कंपनी खराब तो उसका इंडेक्सेशन होता है। वो कैसे होता है मेरा आज वो चर्चा का विषय नहीं है। मैं तो सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि अगर निफ्टी बढ़ रहा है, अगर निफ्टी बढ़ रहा है इसका मतलब क्या है कि उस स्टॉक एक्सचेंज के अंदर में जितनी सारी कंपनी है लगभग सारी कंपनी के शेयर्स उसके बढ़ रहे होंगे। लगभग की बात किया, सब नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं कि अगर ये 50 कंपनी के शेयर्स बढ़ेंगे तो सारे कंपनी के बढ़ेंगे, लेकिन जनरली ऐसा ही होगा बच्चे। अगर स्टील मार्केट बढ़ा, स्टील मार्केट बढ़ने का बहुत रीजन होता है, हमारे कंट्री में स्टील का डिमांड बढ़ गया, गाड़ियां ज़्यादा बन रही है, आपके घर ज़्यादा बन रहे हैं, तो उस केस में अगर एक कंपनी का जो इसमें लिस्टेड आपका है अगर उनका स्टील का डिमांड बढ़ेगा तो लगभग सबका बढ़ता है, ऐसा माना जाता है, बिजनेस ऐसे चलता है। तो मेरा सिर्फ ये कहना है कि अगर ये 50 कंपनी ग्रो करेंगी तो मंगूराम ये समझेगा कि भैया ये कंपनीज क्या कर रहे हैं, ग्रो कर रहे हैं आपका। और ये 50 कंपनी अगर डाउन हो रहे हैं, मतलब निफ्टी डाउन हो रहा है, तो मतलब कंपनी खराब परफॉर्म कर रही है। इस इंडेक्स को देखकर, ये जो निफ्टी इंडेक्स है इसको देख के वो अपना मन तय कर सकता है कि आज मैं इस कंपनी में, इस मार्केट में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं। अगर निफ्टी आपका बढ़ रहा है तो पैसा लगाओ, है ना। निफ्टी बढ़ा यानी कि क्या जी, आपका शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है, ग्रोथ हो रहा है, तो आप भी उसका कमाओ। अगर कम हो रहा तो फिर आपको वहां पर देखना होगा क्या करना है, कब खरीदना, वो मैं ज्यादा नहीं जाता। उसी तरीके से मेरे बच्चे बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो जिसमें 6000 कंपनी लिस्टेड है, इनमें से टॉप 30 ब्रांड जो है, टॉप 30 कंपनीज जो इन्हीं डिफरेंट सेक्टर के अंदर आपका है उनका सिलेक्शन किया जाता है, और इनके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही है कि घट रही है ये हम चेक करते हैं सेंसेक्स के अंदर, सेंसेक्स के अंदर आपका। तो आप कभी न्यूज अगर ओपन करते हो और दिखता है कि यार सेंसेक्स बढ़ रहा है, मतलब इस मार्केट के अंदर में जो कंपनीज हैं लगभग उन कंपनी के शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी। अगर सेंसेक्स डाउन हो रहा है, 300 पॉइंट से कम हो गया, 400 पॉइंट से कम हो गया, इसका मतलब कि कंपनी वहां पे अंडर परफॉर्म कर रही है मेरे बच्चे। ये आप यहां पे देख के आप जज कर सकते हैं। तो ये हमारा स्टॉक मार्केट, आपका स्टॉक मार्केट है जिनके बारे में मैंने थोड़ा सा आपको बताया। बातें बहुत सारी होने वाली है, डिटेल बहुत सारे हैं, हम उनके बारे में भी चर्चा नहीं करेंगे, उन पर एक अलग चैप्टर होता है बच्चे, हम उसको देखेंगे। फिलहाल हम म्यूचुअल फंड की बात कर रहे हैं। अब मेरी बात आप ध्यान से सुनना, ये मैंने क्यों आपको समझाया, आखिर मुझे स्टॉक मार्केट के बारे में क्यों समझाना पड़ा। मैं दोबारा अब मंगूराम के ऊपर आता हूँ, मैं मंगूराम यहाँ पे मैं लेकर आता हूँ जी। ये हमारा मंगूराम रहा मेरे बच्चे, इसके पास बस 5000 रुपये हैं, और ये 5000 ना इनमें से किसी एक कंपनी के शेयर्स को परचेज करके कुछ उस पर कमाना चाहता है। आज मैंने 2000 रुपये में परचेज कर लिया, या मान लो आज हमारे पास 5000 है तो हमने 5000 में परचेज कर लिया और कल उसको हम 6000 में बेच देंगे, 1000 रुपीज़ कमाना चाहता है, 200 रुपये कमाना चाहता है। तो मेरे बच्चे ये जो मंगूराम आपका है, जरा बताओ ये आदमी किस कंपनी में पैसा लगाए, किस कंपनी के शेयर्स परचेज करे, किसका बॉन्ड परचेज करे। सर ये तो बड़ा टफ काम है, निफ्टी इतना बता सकता है कि ये कंपनी अच्छा परफॉर्म कर रही है, लेकिन अच्छे में से किस कंपनी में लगाऊं उसका सिलेक्शन करना पड़ेगा। कर लिया इसने, कर लिया मेरे बच्चे, लेकिन जरा बताओ नाम हमने इसका बोला मंगूराम, आप मुझे बताओ क्या इस नाम से बहुत पढ़ा लिखा आदमी लग रहा है क्या,
हो भी गया पढ़ा लिखा मान लो, क्या क्या इस बात की श्योरिटी है कि वो कंपनी के जिस कंपनी में पैसा लगाने वाला है उसको बहुत इनडेप्थ वो स्टडी करेगा। हमारे देश में एक चलन है यार, वो बच्चा मान लो सीए कर रहा है ना, तो चलो हम भी सीए कर लेते हैं, वो बच्चा सीएमए कर रहा है चलो हम भी सीएमए कर लेते हैं। तो उस केस में अगर मंगूराम ने किसी और आदमी को देखकर अगर उस कंपनी में पैसा लगा दिया तो उस आदमी का पैसा डूबेगा तो आपका भी पैसा डूबेगा। अच्छा होता अगर मंगूराम के पास इतना समय होता कि वो आराम से बैठ जाता, एक एक कंपनी को स्टडी करता और कंपनी को प्रॉपर तरीके से स्टडी करके उसमें पैसा लगाता। मेरे बच्चे इस मंगूराम के पास उतना समय नहीं है, ये कमाता है कहीं पे जाके जॉब करता, तो जरा बताओ जॉब करेगा या फिर जाके एक एक कंपनी को स्टडी करेगा? ये तो बहुत टफ काम होने वाला है मेरे बच्चे। फिर ये मंगूराम के पास कौन सा ऐसा उपाय है कि वो भी इस स्टॉक मार्केट में कुछ पैसा लगा के रिस्क को कम करके, मतलब मार्केट में जो पैसा लगाए जिस कंपनी में भी पैसा लगाए रिस्क को कम करके वो बहुत सारा प्रॉफिट कमा ले? ये ऐसा क्या तरीका है, क्या तरीका है? तो मैं आपको बताता हूं, एक बात ध्यान से सुन लेना, मैंने कुछ बोला कि 50 कंपनी में मान लो एक आपका HDFC कंपनी है, अगर उस कंपनी के शेयर्स मार्केट में बढ़ रहे हैं तो माना जाता है कि आउट ऑफ 1600 जो कंपनीज होंगे उनमें जितने बैंकिंग सेक्टर में कंपनी होंगे उन सबके शेयर्स की वैल्यू बढ़ रही होगी, ऐसा माना जाता है। और जनरली ऐसा ही होता है मेरे बच्चे, क्योंकि सेबी जब इस 50 कंपनी में किसी एक कंपनी को रखती है ना तो बहुत ठोक ताल के रखती है, मतलब वो कंपनी क्या पूरे इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं कर रहा है वो उसको देख के रखती है आपका। कभी कभी एक्सेप्शन भी आ जाते हैं कि जैसे मान लो HDFC परफॉर्म किया लेकिन ICICI में कुछ चोरी हो गया, PNB में चोरी हो गया, तो उनके शेयर्स की वैल्यू मार्केट में डाउन हो जाती है। वो एक्सेप्शन होते हैं और उन्हीं एक्सेप्शन को स्टडी करना इसका बस का काम नहीं है। ये तो एक मंगूराम है, एक साधारण इंसान आपके और मेरे जैसा लोग आपका, तो ये क्या करे, क्या करे कि ये भी इस मार्केट में आके खूब सारा पैसा कमाए? मेरे बच्चे तभी तो कॉन्सेप्ट आया म्यूचुअल फंड का, म्यूचुअल फंड का कॉन्सेप्ट निकल के आया। आज जरा मैं इस कॉन्सेप्ट को, ये म्यूचुअल फंड कैसे काम करता है, क्या क्या निकल के आया, मैं सारी बातें आपको समझाता हूँ। पता है हमारे देश में क्या है, ये मंगूराम के जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं भी एक मंगूराम हूं, आप भी एक मंगूराम हो, मतलब हमें ये कंपनी के जो शेयर्स हैं, इतने सारे कंपनी जो हमारे कंट्री में है उनका प्राइसिंग जो है मेरे बच्चे, उनका उस कंपनी में, पर्टिकुलर कंपनी में मैं पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, ये हमें समझ में नहीं आता। मैं इतना बड़ा इंसान नहीं हूं कि मैं सारी बातें पता कर सकता हूं कि हाँ जी मैं आंख बंद करूं पता चले कल को कंपनी बढ़ेगी घटेगी। किंगफिशर, सुन लो किंगफिशर की बात, किंगफिशर कंपनी जो है विजय माल्या की एक टाइम पे बहुत जबरदस्त परफॉर्म कर रही थी, मेरे कई सारे दोस्त थे जिन्होंने उनमें 400-400 रुपये 500-500 रुपये में शेयर्स परचेज किया था, लेकिन आज क्या हुआ, जीरो हो चुका सब कुछ। ये हम मंगूराम थे बच्चे जो उस कंपनी में पैसा लगाए। एक प्रोफेशनल आदमी अगर होता तो उस किंगफिशर की पूरी कहानी को जज करता, वो कंपनी कितना सेफ है, कितना रिस्की है, क्या पैसा ठीक से इन्वेस्ट कर रही है, नहीं कर रही, कोई गलत काम तो नहीं कर रही, तब उस कंपनी में पैसा लगाता। और ये हम आम जनता जो है, ये मेरे और आपके जैसे जो लोग हैं उनके वश की बात ये नहीं होती। तो मेरे बच्चे हुआ क्या, मैं आपको बताऊं हुआ क्या, यहां पे मैं बताता हूं हुआ क्या, ध्यान सुनना। कुछ बड़े बड़े लोग, मतलब जो बहुत जबरदस्त नॉलेज रखते हैं, ये वो लोग हैं मेरे बच्चे, ये बहुत बड़े बड़े लोग हैं, ये हम इनको प्रोफेशनल्स कह देते हैं। किसके प्रोफेशनल? ये स्टॉक मार्केट के, जो और कोई काम नहीं करते, इनका 24/7 एक ही काम है, एक एक कंपनी जो इस आपका मार्केट में, उनका गहन स्टडी करना, उनके बारे में जानना, वो कंपनी कितना अच्छा परफॉर्म कर रही है, खराब, ट्रैक रिकॉर्ड चेक करना, सब कुछ चेक करना, ये वो लोग हैं जो आपका यहाँ पे इस काम को करने को तैयार हुए। पता है इन लोगों ने क्या किया, मिलकर एक कंपनी फॉर्म की जिसका नाम रखा गया एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी, आप सुन लो, जब मेरा डायग्राम पूरा खत्म हो जाएगा तो वीडियो को पॉज करके ये डायग्राम जरूर बना लेना, पूरा मैं म्यूचुअल फंड की कहानी आपको समझा रहा हूँ। ये आपका AMC हो गया, शॉर्ट में इसको हम AMC बोलते हैं, एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी। ये कंपनी इन लोगों ने क्या क्या फॉर्म किया, बहुत प्रोफेशनल होते हैं या बड़े बड़े लोग जो अच्छे अच्छे प्रोफेशनल जो महारथी होते हैं स्टॉक मार्केट के, उनको अपॉइंट करके रखती है आपका। मेरे बच्चे ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी फॉर्म करने के लिए दो चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है,
एक तो आप एक रजिस्टर्ड कंपनी हो, एक तो आप यहां पे रजिस्टर्ड कंपनी आप हो, एक तो रजिस्टर्ड कंपनी हो, और इसके साथ साथ आप रजिस्टर्ड विथ सेबी, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, सेबी से आप यहां पर रजिस्टर्ड हो, तो आप एक एमसी को फॉर्म करोगे। कौन करेंगे जी? या तो ये प्रोफेशनल जो इसी फील्ड के महारथी होते हैं, या कोई बड़े बड़े लोग जो इनको अपॉइंट करके इसको फॉर्म करेंगे। इनका काम क्या होता है तो मैं बताऊं ये क्या करते हैं। ये देखो, ये कई सारे, मैं आपको दिखा रहा हूं मंगूराम, ये कई सारे मंगूराम हैं, मतलब इनके पास पैसे तो हैं थोड़े मोड़े, मेरे बच्चे थोड़े मोड़े पैसे, बहुत सारे पैसे नहीं है, इनके पास थोड़े मोड़े पैसे हैं, और इन्होंने क्या किया, पैसे लेके खड़े हैं कि कोई ऐसा एक प्रोफेशनल हमारे पास आए जो हमारे पैसे को सेव कर दे। मेरे बच्चे ये वो पब्लिक है, ये वो पब्लिक है हमारे और आपके जैसे लोग जिनके पास कुछ कुछ पैसा पड़ा हुआ है। पता ये क्या करेंगे, ये पैसा जो है इस एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास, ये रहा उनका एक गुल्लक, ये रहा उनका गुल्लक, इसमें क्या करेंगे, मतलब इनको क्या करेंगे, पैसे देंगे। ये इनके पास खूब सारे पैसे आ गए, इनके पास खूब सारे पैसे आ गए। पर बच्चे ये जो आपके जो पब्लिक हैं, जिनके पास पैसा है, जो मार्केट को अपने बल पे एनालिसिस नहीं कर सकते हैं, वो लोग क्या करते हैं कि इस एम से जो प्रोफेशनल लोग हैं, जिनका काम ही ये है कि कंपनी को स्टडी करना, सब कुछ देखना, उनके पास क्या करते हैं, ये पैसा यहाँ पर जमा कर देते हैं। यानी कि पब्लिक जो है आपका डिपॉजिटेड अमाउंट विथ एएमसी, इस एएमसी को एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी के पास जमा कर देते हैं। मतलब बच्चे ये जो आपका फंड क्रिएट हुआ ना, ये जो पैसा क्रिएट हुआ, हम इसी को यहां पे क्या बोलते हैं, म्यूचुअल फंड आपका। यानी कि इसमें खूब सारे पैसे आ गए, बड़े लोग हैं और इनके पास खूब सारे पैसे हैं, तो ये क्या करते हैं, अब इन पैसे को क्या करते हैं, वो इन्वेस्ट कर देते हैं। ये क्या करते हैं, पैसे को आपका इन्वेस्ट कर देते हैं, इन्वेस्टेड इन सिक्योरिटीज, मतलब शेयर्स, डिवेंचर्स, बॉन्ड्स, जो भी आपका सिक्योरिटीज है ना, ऑफ क्या जी, कंपनीज जो कि लिस्टेड इन स्टॉक एक्सचेंज, वो चाहे आपका NSE हो, चाहे BSE हो, जितने भी कंपनीज वहां पर लिस्टेड थे मेरे बच्चे, उनमें ये क्या करते हैं कि पैसे को इन्वेस्ट कर देते हैं। जब ये पैसा इन्वेस्ट करेंगे कंपनीज के अंदर में, ये बहुत सारी कंपनी है, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, तो ये इन्वेस्ट कैसे करते हैं, क्या तरीका, वो बाद की बात हम पढ़ेंगे बाद में। पर इन्होंने क्या किया, पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और हाँ, क्योंकि ये बहुत प्रॉपर तरीके से रिस्क एनालिसिस किए होंगे, तो मेरे बच्चे यहाँ पे जब पैसा इन्वेस्ट होता है ना, तो पैसा डूबने के चांसेस बहुत कम होते हैं, बढ़ने के ज़्यादा होते हैं, क्योंकि इन लोगों ने, ये जो प्रोफेशनल लोग हैं, जब यहाँ पैसा लगाते हैं तो एक एक चीज़ को प्रॉपर तरीके से स्टडी करते हैं, कहाँ रिस्क ज़्यादा है, कहाँ रिस्क कम है, रिटर्न किस में ज़्यादा है। वो कुछ पैसा इक्विटी शेयर्स में लगा देते हैं, जहाँ रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न भी ज़्यादा है। कुछ पैसा डिवेंचर्स को परचेज कर लेंगे, डिवेंचर्स में रिस्क कम है, रिटर्न भी कम है, बट फिक्स तो है ना, रिटर्न मिलेगा। तो ये पैसे जो थे ना बच्चे, वो पैसे इनके पास चले गए, इन्होंने क्या किया, यहाँ पे इन्वेस्ट कर दिया, और जो पैसा यहाँ पे इन्वेस्ट किया उससे अब यहाँ पे क्या होता है, इनके पास खूब सारे इनकम आते हैं। इनकम किस फॉर्म में आएंगे, डिविडेंड कमाएंगे, अगर वो डिविडेंड बेयरिंग सिक्योरिटीज है तो, जहाँ पैसा इन्वेस्ट किया है, वो इंटरेस्ट कमाएंगे अगर उन्होंने इन्वेस्टमेंट जो किया है, अगर वो आपका मान लीजिए इंटरेस्ट बेयरिंग सिक्योरिटी में किया है, तो जितना भी ये अमाउंट कमाते हैं, जितना भी कमाते हैं मेरे बच्चे, इसमें से, क्योंकि ये दिन रात मेहनत कर रहे हैं, इनका भी कुछ बनता है, ये भी क्या करेंगे जी, इनके बहुत सारे खर्चे होते हैं, रेंट पे कर, बहुत सारे खर्चे, तो अपना जो एक्सपेंसेस जो होता है, एक्सपेंसेस जो भी आपका हुआ, चाहे वो इनका कमीशन के रूप में या किसी भी रूप में, वो क्या करते हैं, इसमें से कुछ अमाउंट को आपका माइनस करके बाकी जो पैसा बचता है, ये पैसा दोबारा इन्हीं पब्लिक के बीच में डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। यानी कि ये जो पैसा बचा, ये दोबारा किसको मिल जाएगा, आपका गिवन टू पब्लिक। कौन से पब्लिक, जिसने इस म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया था, गिवन टू पब्लिक, आपका ही पब्लिक को दे दिया जाता है बच्चे। तो ये म्यूचुअल फंड की कहानी चलती है, इस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब देखो इसमें फायदा क्या हुआ, अगर मेरे पास 5,000 का अमाउंट था
तो मेरे बच्चे 5000 रुपीज में मैं कहां पैसा लगाऊं, इतने सारी कंपनी कैसे स्टडी करूं, मैंने वो टेंशन खत्म कर दिया। हम सबने जितने जितने पैसे हमें इन्वेस्ट करने थे वो पैसा हमने यहां पे लगा दिया। सॉरी। अब ये जो एएमसी में जो लोग आपके, उन्होंने क्या किया, इस पैसे को आगे इन्वेस्ट किया बहुत प्रॉपर तरीके से सब कुछ स्टडी करके। तो जब प्रॉपर तरीके से स्टडी होता है तो रिस्क कम होते हैं, रिटर्न ज़्यादा आपके होते हैं, और वो पैसा फिर आपका यहाँ पे एक और फायदा। अगर मेरे पास 5000 रुपीज का अमाउंट है तो मेरे बच्चे 5000 रुपये लेकर मैं अगर मान लो सोचता हूँ कि बहुत बड़े ब्रांड में पैसा लगाना जहाँ रिस्क कम है, सपोज कि आपका मान लो एक बात करता हूँ विप्रो के अंदर मेरे पास 5000 रुपये हैं और विप्रो का मान लो एक शेयर जो 20000 रुपये का है, मैं उसमें पैसा कैसे लगा सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि वो पैसा मेरा सेफ है लेकिन मैं नहीं लगा सकता क्योंकि सिर्फ 5000 रुपये है और एक शेयर मान लो 20000 रुपये का है। लेकिन मेरे बच्चे अगर ये पैसे यहाँ जमा हो जाते हैं तो ये 5000 रुपये के करके पता नहीं कितने करोड़ रुपये बन जाते हैं और वो पैसा हम किसी भी सेफ कंपनी में लगा सकते हैं। ये म्यूचुअल फंड आपको हेल्प करता है। इसलिए ज़्यादातर देखा गया है कि म्यूचुअल फंड पे रिटर्न हमेशा आपका पॉजिटिव होता है, निगेटिव बहुत 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 रेयर केस में दिखता है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे रिस्क नहीं है, यहाँ पे आपका पैसा कम नहीं हो सकता। हो सकता है मार्केट ही टूट गया, कंट्री की इकोनॉमी खराब हो गई, उस कंपनी का रिस्क एनालिसिस कभी कभी मान लो मेरा खराब हो गया, तो उस केस में मतलब रिस्क होता है बट बहुत कम रिस्क होता है। इसलिए जब पैसा आप म्यूचुअल फंड में लगाओगे तो आपको देखना होता है कि ये कंपनी है कौन। ये एएमसी जो है आपका इस कंपनी के पूरे हिस्ट्री को समझना, बड़े लोग हैं अच्छे जैसे कि बिरला सन लाइफ आपका है, जैसे कि HDFC का म्यूचुअल फंड है, ये बड़े बड़े ब्रांड है, इनके पास खूब सारा पैसा है, ये टॉप प्रोफेशनल को अपॉइंट करते हैं फिर ये पैसा आगे लगाते हैं जहां रिस्क बहुत कम होता है मेरे बच्चे। हाँ, अब ये एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी जो आपकी है ये कितना अच्छे तरीके से काम कर रही है, इन पे भी तो कंट्रोल करना होगा। अगर मान लो ये पांचों बदमाश यहां पे सपोज की अपॉइंट किए गए प्रोफेशनल के रूप में लेकिन सो गए, इन्होंने उल्टे सीधे काम किए तो फिर तो काम खराब हो जाएगा। इसलिए मेरे बच्चे यहां पे ट्रस्टी कुछ अपॉइंट किए जाते हैं। ट्रस्टी ये कुछ अच्छे लोग होते हैं जो पैसा तो इन्वेस्ट नहीं करते, इस टीम का पार्ट नहीं होते हैं, लेकिन ये ट्रस्टी जो होते हैं बच्चे इन पे इनका काम को सुपरवाइज करते हैं। ट्रस्टी क्या करते हैं जी, सुपरवाइज, ये सुपरवाइज करते हैं, चेक करते हैं द वर्किंग ऑफ किसका, एएमसी जो एसेट्स मैनेजमेंट कंपनी है। ये जो जैसे आपका जो इसके जो प्रोमोटर होते हैं ना बच्चे इस कंपनी के, जिन्होंने इस कंपनी को अपॉइंट किया है, वही प्रोमोटर क्या करते हैं इसको भी अपॉइंट करते हैं ट्रस्टीज को, जो ट्रस्टीज क्या करते हैं यहाँ पे हमेशा इनके काम को कंट्रोल करते हैं, मतलब सुपरवाइज करते हैं। अगर कोई काम गलत हो रहा है तो ये इनको समझाते हैं, प्लस आगे रिपोर्ट भी करते हैं ताकि किसी तरीके से कोई इस चेन में गड़बड़ी ना हो पाए। ये हमारा पूरा का पूरा म्यूचुअल फंड वर्क करने का तरीका है। बहुत हद तक बातें आपको समझ में आई होंगी, अभी बहुत सारी चर्चाएं आपके साथ करनी है मेरे बच्चे। आप पहले एक काम करो, इसको कॉपी कर लो। लो ये बातें हो गई, मैं एक काम करता हूं, आपने कॉपी कर लिया होगा मुझे विश्वास है, अदरवाइज पहुंच तो कर ही लिया होगा आपने, मुझे रोक लिया होगा। अब मैं थोड़ा सा इसके बारे में आपको लिखाता हूं, फिर क्लास को आगे मैं बढ़ाता हूं। लीजिए मैं इसको मिटाता हूं मेरे बच्चे, मैं इसको मिटाता हूं और थोड़ा सा मैं इसको मिटाने के बाद क्लास को आगे बढ़ाता हूँ, कुछ लिखाऊंगा यहाँ म्यूचुअल फंड के बारे में। लिखिए मेरे साथ, मैं पूरी कोशिश करूँगा कि जितने भी एग्जाम में आपके क्वेश्चंस बन सकते हैं थ्योरी चाहे न्यूमेरिकल, उनको मैं क्लास में आपके साथ लिखाऊं ताकि प्रॉपर तरीके से बातें आपके दिमाग में बैठ जाए। इन्हीं बातों को मैं लिखा रहा हूं जो मैंने आपको समझाया है। लिखिए मेरे साथ पॉइंट नंबर वन, आपका यहां पे पॉइंट नंबर वन लिखेंगे, इन इंडिया म्यूचुअल फंड्स आर रेगुलेटेड बाय सेबी ब्रैकेट में म्यूचुअल फंड्स ब्रैकेट क्लोज रेगुलेशन 1996। ये रेगुलेशन तैयार हुआ था कि सेबी कैसे कैसे गवर्न करेगा मेरे बच्चे, उसके थ्रू यहाँ पे हम गवर्न करते हैं। पॉइंट नंबर टू लिखेंगे आप यहाँ पे पॉइंट नंबर टू। अब म्यूचुअल फंड होता क्या मैं आपको बता रहा हूँ। अ म्यूचुअल फंड, लिखिए मेरे साथ, अ म्यूचुअल फंड इज अ ट्रस्ट दैट पूल्स
that pulls the saving of the saving of the saving savings of number of investors, जितने भी investors हैं उनका savings pool यानी कि इकट्ठा करना, who share a common financial goal, a common financial goal. अब financial goal क्या है? पैसे का बढ़ना, हमें dividend मिले, हमारे shares की value बढ़े, यही होता है मेरे बच्चे. फुल स्टॉप के बाद आगे लिखेंगे. The money thus collected, जो पैसा कलेक्ट किया गया है इन लोगों से, is invested, उन पैसे को इन्वेस्ट कर दिया जाता है इन कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट्स. का मतलब हो गया कैपिटल मार्केट में जो सामान बिकते हैं. तो क्या बिकते हैं? शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, है ना बच्चे. लिख दो यहाँ पे सच एज आपका शेयर्स हो गया, डिवेंचर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, कमर्शियल पेपर्स हो गए, बहुत चीज़ें हैं जो बिकती हैं. तो सिक्योरिटीज, एक्चुअली मैं कहना चाहता हूँ जितने भी सिक्योरिटीज आपके हैं जो बेचते हैं उसमें हमने क्या किया, यहाँ पे पैसा इन्वेस्ट कर दिया. फुल स्टॉप. लिखना आगे द इनकम, इस पे जो हम इनकम कमाते हैं, द इनकम अर्न्ड थ्रू दीज इन्वेस्टमेंट्स एंड द कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज्ड, मतलब वैल्यू कुछ बढ़ गया आपके सिक्योरिटीज का, कैपिटल एप्रिसिएशन रियलाइज्ड. फिर क्या होता है डिटेल में आगे बताऊंगा, फिलहाल समझना इनकम ही है आपका. इज शेयर्ड बाय इट्स यूनिट होल्डर्स. इसको अंडरलाइन कर लेना, मैं इसके बारे में और आगे चर्चा करूंगा. फिलहाल समझना वो लोग जिन्होंने पैसा इन्वेस्ट किया है, इन प्रोपोर्शन टू द नंबर ऑफ यूनिट्स ओन्ड या परचेज्ड बाय देम, है ना. ये हमारा म्यूचुअल फंड का मैंने एक छोटा सा मीनिंग समझाया जो आपको समझना है. और बच्चे अगर आप ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई बड़ी बात नहीं की मैंने, वही जो आपको समझाया. म्यूचुअल फंड एक ट्रस्ट है जहाँ पे जितने भी इन्वेस्टर्स है उनका पैसा पुल यानी कि एक जगह जमा किया जाता है. ये सारे इन्वेस्टर्स जो है ना एक कॉमन फाइनेंशियल गोल को आपका शेयर करते हैं. सर गोल कैसा? फिलहाल तो समझना कमाना. ये कमाना भी कई तरीके का होता है, मैं आगे आपको बताऊंगा. फिलहाल समझना कि जो कमाई कुछ चाहते हैं बच्चे, अर्निंग चाहते हैं, उनके लिए पैसा उन्होंने इकट्ठा किया. ये पैसा आपका इन्वेस्ट किया जाता है कैपिटल मार्केट इंस्ट्रूमेंट में यानी कि इन चीज़ों के अंदर में. और जो इनकम इससे अर्न होता है, चाहे वो आपका डिविडेंड के रूप में, चाहे वो कैपिटल एप्रिसिएशन होता है मतलब शेयर्स की वैल्यू बढ़ जाना ऐसा कोई इनकम, वो शेयर्ड यानी कि डिवाइड हो जाता है किसके बीच में, यूनिट होल्डर्स जो इनके मालिक होते हैं. और कहता है कि किस प्रोपोर्शन में, जिस प्रोपोर्शन में उन्होंने यूनिट्स को रखा अपने पास, इसका हम चर्चा थोड़ा और आगे करेंगे. आपको उतना ही समझना जितना मैंने अभी तक आपको समझाया. चलिए अब एक काम करते हैं मेरे बच्चे, ये तो बातें समझ में आ गई. अब हमें देखना है कि म्यूचुअल फंड्स कितने तरीके के होते हैं, म्यूचुअल फंड्स के टाइप क्या क्या हैं. आपको मेरे साथ लिखना है, एग्जाम में जो भी कुछ आएंगी बस इन्हीं बातों से कवर होगा. मैं इसको मिटा देता हूँ, आप लिखिए मेरे साथ यहाँ पे टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स. म्यूचुअल फंड्स हमारे कितने तरीके के होते हैं, तो लिखेंगे हमारा थर्ड पॉइंट है मेरे बच्चे यहाँ पे. थर्ड पॉइंट लिखेंगे आपका, दो पॉइंट हो चुका. टाइप्स ऑफ म्यूचुअल फंड्स, ये म्यूचुअल फंड्स कैसे, किस में पैसा लगाऊँ किस में ना लगाऊँ, मैं आपको बता रहा हूँ यहाँ पे.
पर बच्चे ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो तीन तरीके से होता है. पहले नंबर ए, एक होता है आपका ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी पीरियड. मैच्योरिटी पीरियड लिखिए आप मेरे साथ एग्जाम में, जिसके बेसिस से पूछेगा वो लिखना पड़ेगा. सेकंड आपका होता है यहाँ पे ऑन द बेसिस ऑफ, लिखेंगे यहाँ पे सेकंड आपका है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ आपका इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स. इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स, इन्वेस्टमेंट ऑब्जेक्टिव्स आपका. और सी में आप लिखेंगे आप यहाँ पे मेरे साथ, सी में आपका थर्ड जो यहाँ पे हमारे पास होता है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ स्कीम्स. स्कीम्स ये तीन तरीके के हमारे यहाँ पे क्लासिफिकेशन होता है म्यूचुअल फंड को लेकर. पहले हम एक काम करते हैं, पहले हम एक को समझेंगे फिर उसके बारे में लिखेंगे, फिर दूसरे को समझेंगे उसके बारे में लिखेंगे, फिर तीसरे को समझेंगे उसके बारे में लिखेंगे. तो आप पहले यहाँ तो कॉपी कर लो. और मैं एक काम करता हूँ मेरे बच्चे, पहले मैं स्टार्ट करता हूँ यहाँ पे, लिखिए मेरे साथ. इसके बाद नंबर ए लिखेंगे आप पहले यहाँ पे, हेडिंग डालेंगे क्या जी ये क्लासिफिकेशन हो रहा है ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ मैच्योरिटी, मैच्योरिटी पीरियड आपका. मेच्योरिटी पीरियड के बेसिस पर हम यहाँ पे क्लासिफिकेशन कर रहे हैं. बच्चे यहाँ पे दो तरीके का यहाँ पे आपका म्यूचुअल फंड होता है. एक होता है ओपन एंडेड स्कीम्स और एक होता है आपका यहाँ पे क्लोज एंडेड, क्लोज एंडेड स्कीम्स. ये दो तरीके का आपका यहाँ पे होता है. हम थोड़ा पहले इसके बारे में समझें उसके बाद फिर हम आगे बढ़ते हैं. आप पहले यहाँ तो कॉपी कर लो कि हमारा जो आपका यहाँ पे अगर मैच्योरिटी पीरियड के बेसिस पे, यानी कि म्यूचुअल फंड कब मैच्योर्ड होगा अगर हम इस पॉलिसी पे देखें, तो एक होता है ओपन एंडेड, एक होता है क्लोज एंडेड आपका स्कीम्स. ओपन एंडेड, क्लोज एंडेड. अब मेरी बात सुनो, आप पहले मेरी बात सुन लो उसके बाद हम लिखेंगे. मेरी बात सुनना, मैं कुछ समझाना चाहता हूँ इनके बारे में क्या होता है. मेरे बच्चे ये देखो आप, ये जो हमारी एएमसी थी, मतलब जो कंपनी है, और ये हमारी जो पब्लिक है, ये हमारे कौन थे पब्लिक. सर ये डायग्राम हम भी बनाए, नहीं बनाना आपको, बस मेरी बात सुनना. ये पब्लिक आपका है और ये वो रहा मेरे बच्चे गुल्लक, यानी कि वो फंड जहाँ पे इकट्ठा हो रहा है, ये आपका इकट्ठा हुआ फंड आपका. और फिर इन्होंने क्या किया, इन पैसे को आपका इन्वेस्ट कर दिया है, इन्वेस्टेड इन डिफरेंट सिक्योरिटीज, डिफरेंट सिक्योरिटीज आपका. अब ये सिक्योरिटीज जो जिसमें इन्वेस्ट किया जाएगा वो कौन सी सिक्योरिटी होगी मेरे बच्चे, वो हमारा ऑब्जेक्टिव जो है ना म्यूचुअल फंड का ऑब्जेक्टिव, जब मैं यहाँ पे बताऊँगा उसके मुताबिक तय होता है कि हम पैसा कौन से सिक्योरिटी में डालें. हम शेयर्स में डालें, डिवेंचर्स में डालें, बॉन्ड में डालें, कमर्शियल पेपर में डालें, एफडी कर दें, क्या करें वो डिसाइड आपका ऑब्जेक्टिव. भाई हम उसमें नहीं जा रहे हैं फिलहाल. कहता है कि अगर ये पब्लिक जो है, ये जो पैसा यहाँ पे जमा किए हैं, ये जो पैसा जमा किए हैं उसको हमने यहाँ पे इन्वेस्ट किया. अब देखो होता है क्या, ओपन एंड के केस में, ओपन एंड स्कीम के अंदर में अगर मान लो ये जो पब्लिक है, ये जो पब्लिक अभी है, अगर इसके अंदर में कल को आपको मन करता है कि यार मैं भी इसमें पैसा डाल दूं, तो आप भी यहां पे ऐड हो सकते हैं. कब ऐड हो सकते हैं, कभी भी. मतलब ये एक प्रोसेस है मेरे बच्चे, ये अनगोइंग प्रोसेस है. आपको इनमें से जितने सारे आदमी हैं ये, या कोई नया आदमी जब चाहे तब इसमें पैसा इन्वेस्ट कर सकता है, जब चाहे तब. मान लो एक आदमी और जुड़ गया, एक आदमी और जुड़ गया, एक और जुड़ गया, तो इन्होंने क्या किया, कुछ और भी फंड यहाँ पे दिया. ये फंड क्या होगा, ऑटोमेटिकली ये क्या करेंगे, और कहीं आगे इन्वेस्ट कर देंगे. तो जैसे फंड बढ़ेगा, जैसे लोग बढ़ेंगे, फंड बढ़ेगा, आगे इन्वेस्ट हो जाएगा, ज़्यादा अर्निंग होगा, वो अर्निंग आएगा, वो आगे भी डिवाइड आपका होगा. तो ओपन एंड में क्या होता है कि कोई भी नया आदमी आके कभी भी पैसा इस म्यूचुअल फंड में लगा सकता है, कभी भी. आज मन किया, कल मन किया, कल कोई नया आदमी हो या फिर आप ही हो, आपको लगता है कि यार अभी हम 50,000 रुपये लगाए, 2 लाख का और इन्वेस्टमेंट करें, आप कर सकते हैं.
ओपन एंड की बात करो, ओपन है कभी भी आप। अगर मान लो आपको मन करता गणेश जी मुझे आज इस मार्केट से अपने म्यूचुअल फंड जो हमने पैसे इन्वेस्ट किए हैं उसको बेचकर मुझे मार्केट से निकलना है, तो आप आज इनको फोन करो, ये क्या करेंगे, आपका पैसा वापस कर देंगे। करना क्या है, कुछ भी नहीं। इससे क्या होगा कि इन्होंने अगर मान लो आपका पैसा, आपका अगर आप बोलते हो कि मुझे निकलना है, तो जितना पैसा आपको पे करना है उतने की सिक्योरिटी यहां पे मार्केट में बेच देंगे, पैसा आएगा और आपका पैसा रिफंड कर देंगे। मतलब आप तो बिल्कुल सिक्योर्ड हो, जब चाहो तब मार्केट में आओ, म्यूचुअल फंड के अंदर में पैसा लगाओ, जब चाहो तो निकल जाओ, कोई रोक नहीं सकता। कोई यहां पे आपका फिक्स पीरियड नहीं है, कोई ब्लॉकिंग पीरियड नहीं है, आपको जब आना है तब आपको आना है, जब निकलना निकलना है। लेकिन हां मैं एक चीज बता दूं यहां पे आपको जरूर, मेरे बच्चे यहां पे जब ऐसा होता ना ओपन एंड, हम किसका डिस्कशन कर रहे हैं आपका ओपन एंड के बारे में, ओपन एंडेड स्कीम में इनके पास एक चैलेंज आ जाता है कि यार आज तो हमने पैसा लगाया, कल किसी बंदे ने इसमें से पैसा वापस मांगा, तो पैसा मुझे क्या करना होगा, निकालना होगा। इसके लिए इनको ये एमसी जो बचे अपने पास लिक्विडिटी यानी कि कुछ कैश का बैलेंस अपने पास हमेशा मेंटेन करना पड़ता है, ताकि कल को मान लो ऐसा नहीं कि कोई आया जी कुछ पैसा डिमांड कर रहा है तो हमेशा हम सिक्योरिटी बचे यहाँ से हम पैसा इसका पेमेंट कर देंगे, ऐसा इनको करना पड़ता है मेरे बच्चे, ये चीज़ें निकल के आती हैं। तो इनके पास चैलेंज क्या है कि एक लिक्विडिटी मेंटेन करना, बाकी कुछ चैलेंज नहीं है, बट ये आपका सेफ गेम आपका होता है, ये ओपन एंड की बात की है मेरे बच्चे। दूसरा क्या है, क्लोज एंडेड स्कीम। क्लोज एंडेड में क्या है कि आप जब चाहो तब नहीं आ सकते, जब चाहो तब नहीं निकल सकते, एक फिक्स टाइम होता है मेरे बच्चे। इसमें क्या होता है कि एक हम टाइम देते हैं आपका, एक टाइम मान लो 3 दिन का 4 दिन का चाहे 5 दिन का, ये म्यूचुअल फंड का जो ऑफर निकलता है मान लो 5 डेज का निकला, तो 5 दिन में जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे वही इसमें यूनिट होल्डर कहे जाएंगे। ये 5 दिन में जो लोग पैसा इन्वेस्ट कर देंगे वही यहां पे क्या करेंगे जी, यूनिट का मतलब इसके आपका इन्वेस्टर कहे जाएंगे। इसके बाद कोई दूसरा आदमी बीच में यहां पे ऐड नहीं हो सकता मेरे बच्चे। अगर उन्होंने ये पैसा कहा कि भैया हम आपसे ले रहे हैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करने के लिए 3 ईयर्स के लिए, मान लो 3 लॉक इन पीरियड है, 3 ईयर्स 4 ईयर्स 5 ईयर्स जो भी वो पहले आपको बताएंगे, तो 3 साल तक इनमें से कोई भी आदमी यहां से बाहर नहीं निकल सकता। समझो मेरी बात, 3 साल के अंदर में कोई दूसरा नया आदमी इसमें नहीं आ सकता, आपका पेमेंट 3 साल के बाद ही मिलेगा। लेकिन हाँ यहाँ पे एक डर बैठ जाता है मेरे बच्चे, एक डर बैठ जाता है कि मान लो 3 साल का ब्लॉकिंग हो गया और मान लो 3 साल के बीच में मुझे पैसे की रिक्वायरमेंट आए तो फिर मैं क्या करूँगा। आप कुछ नहीं कर सकते, आप वो पैसा नहीं ले सकते, 3 साल के बाद ही ले सकते हैं। तो जिनके पास खूब सारे पैसे हैं, खूब सारे पैसे, वो इनमें क्या करते हैं, पैसा लगाते हैं, क्योंकि यहाँ रिटर्न ज़्यादा होता है बच्चे एज कम्पेयर टू यहाँ के। समझ लो अगर मान लो ये आपका 10 साल के लिए इशू किया गया, तो जो एमसी कंपनी है 10 इयर्स के लिए बिना किसी टेंशन के पैसा आपको इन्वेस्ट कर सकती है। जितना लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होगा उतना ज़्यादा आपको रिटर्न मिलेगा। इसीलिए ये जो आपका क्लोज एंडेड, किसके बारे में डिस्कशन कर रहे हैं हम, क्लोज एंडेड स्कीम के बारे में। हमने क्या बताया, क्लोज एंडेड में क्या होगा, एक टाइम पीरियड होगा, उसी टाइम के बीच में आप पैसा लगा सकते हो, उसके बाद आप पैसा उस फंड में नहीं लगा सकते। अगर आप बीच में एग्जिट करना चाहो वो अलाउड नहीं है, वो नहीं कर सकते आपका। हाँ आपको ये टाइम के बाद ही आप यहाँ पे एग्जिट कर सकते हो। लेकिन यहाँ पे एक बात और है मेरे बच्चे, यहाँ पे बात एक और है कि अब सेबी ने क्या किया, ऐसे स्कीम में जो पैसे लोग लगाते हैं उनको थोड़ी सी लिक्विडिटी दी, थोड़ी सी मतलब वहां पे छूट दी। पता क्या दी कि भैया आप ये पैसा जो आपने इस गुल्लक में लगाया है ये 10 इयर्स तक, मान लो आपका 10 इयर्स का, तो 10 इयर्स तक आप इसमें से पैसा डिमांड नहीं कर सकते, यानी कि एमसी जो कंपनी है उनसे डिमांड नहीं कर सकते। लेकिन अगर इन 10 वर्षों में अगर पैसे की रिक्वायरमेंट है तो स्टॉक मार्केट में जाके आप अपना शेयर जो आपका म्यूचुअल फंड है उनको बेच सकते हो। अगर मान लो आप किसको नहीं बेच सकते, एएमसी को नहीं बेच सकते, लेकिन अगर मान लो म्यूचुअल आपको स्टॉक मार्केट के अंदर में सब्जेक्ट टू डिमांड सप्लाई, मतलब कोई डिमांड अगर कर रहा है आपके म्यूचुअल फंड का तो आप उनको बेच सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन एएमसी जो कंपनी है उनसे पैसा नहीं मांग सकते। दोबारा बोल रहा हूँ कि क्लोज एंडेड में क्या होता है कि आपने एक टाइम पीरियड के अंदर में पैसा लगा दिया,
उसके बाद आप पैसा नहीं निकाल सकते, आप वो पैसा वापस नहीं मांग सकते, किससे? एएमसी से। लेकिन अगर आप चाहो तो स्टॉक मार्केट के अंदर में आप अपना जो यूनिट है, जो आपके म्यूचुअल फंड की यूनिट्स, उनको हम बेच सकते हैं, सब्जेक्ट टू डिमांड सप्लाई, मतलब कोई अगर लेने वाला है तो आप उसको दे सकते हो और पैसा आप लेकर निकल सकते हो। मेरे बच्चे, इन्हीं बातों को मैं पॉइंट बाय पॉइंट लिखाऊंगा, एग्जाम में कोई भी थ्योरी बन जाए तो आप उसको प्रॉपर तरीके से कवर करेंगे। जितनी बातें लिखा रहा हूं वो मोड